खाइए खाइए मैडम। अच्छा ओ हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम लोग गए थे आज पीटीएम में, और मनुष्का का पीटीएम होने के बाद हम लोग गए कीर्ति स्कैनिंग सेंटर। वहाँ पे अम्मा का एमआरआई का रिपोर्ट लेना था, तो वहीं गए। वहीं पे बाहर फ्रूट वाले ने फ्रूट चाट बना रखी थी, तो मनुष्का को फ्रूट खाने का मन था, तो हमने वहाँ फ्रूट खाया। देन फ्रूट लेने के बाद हम घर वापस आ गए। फिर मैंने दूध बॉयल किया, एंड आज मनुष्का का रिजल्ट अच्छा आया था, बहुत अच्छा आया था। तो मतलब प्रोग्रेस हुआ है पिछले रिजल्ट से, जो लास्ट एग्ज़ाम होते उससे। तो बस आज मुझे बनाना था चिली पनीर कुछ स्पेशल, बहुत टाइम हो गया था। मैं वहाँ से पपीता लेकर आई थी, सो अभी मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था रिपोर्ट दिखाने अकेले, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पपीता वगैरह खा लेती हूँ, और थोड़ा जो खाना वाना बनाना है मैं बना लेती हूँ। और मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मेरा टाइम 12:30 के अराउंड होता है, तो मैंने सोचा मैं पपीता काटते काटते मैं चिल्ला खा लूँ, जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया था सूजी का चिल्ला। तो बस मैं वही खा रही हूँ, देन उसके बाद पपीता खाएँगे और उसके बाद डॉक्टर के पास दिखाने जाएँगे। पहले उससे पहले खाना बना लूँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ड्राई चिली पनीर, तो सारी वेजेज मैंने फ्राई कर ली। यहाँ पर मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ, और पनीर को जो है मैंने बहुत अच्छे से कोटिंग करके फ्राई कर रही हूँ इस तरीके से, और बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो फेवरेट है। और यहाँ पे एक साइड में फ्राइड राइस कर रही हूँ, तो बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले कर ली थी, मैंने वीडियो नहीं शूट किया था। देन लास्टली मैंने सोचा कि चलो ऐड कर देते हैं। सो बस यहाँ पर जैसे ही पनीर फ्राई हो जाएगा, तो हमारा ये चिली पनीर का सारा, ये देखिए कोटिंग कितनी बढ़िया हुई है, कितने अच्छे से इवनली फ्राई हुआ है ये। देन उसके बाद हम लहसुन डालकर तड़का लगा के और सारी चीज़ें डाल देंगे, मसाले वसाले, और ये हमारा ड्राई चिली पनीर रेडी हो जाएगा। इससे पहले आई थिंक मैंने शेयर किया होगा इस रेसिपी को, इसलिए मैंने रेसिपी नहीं शेयर की। तो दोपहर हो गई है, सबको खाना वाना खिला दिया है। मनुष्का ने नहीं खाया ठीक से, ना नहीं खाई ना ठीक से, मैंने बस राइस खाया। कैमरा थोड़ा गंदा हो गया। मैं गई थी अम्मा की रिपोर्ट दिखाने, रिपोर्ट दिखा के आ गई हूँ, ब्लर क्यों है। रिपोर्ट दिखा के आ गए हैं और जा रहे हैं खाना खाने मनुष्का की प्लेट में। मनुष्का अपनी प्लेट में मेरे लिए खाना छोड़ती है हमेशा, है ना। और ठंडी से पूरा गाल देखो लाल लाल हो गया है ना, पिंक पिंक हो गया ना मेरा। आपका तो पिंकी है ही है मेरा बच्चा, मेरा लाल चाहिए था। मेरा बाबू का रिजल्ट आज बहुत अच्छा आया है, आज पीटीएम का बढ़िया सा रिजल्ट आया है, इसलिए हम ड्राई चिली पनीर बनाया बाबू के लिए ना। तो बाबू अच्छे से खाया नहीं, राइस खा लो रोटी कौन खाता है, चिली पनीर का तो पराठा खाते हैं। तीन तीन बार रोटी बनवाई तो मैं भी रोटी खाता हूँ। अच्छा गुड, लिया था राइस, और वाह वेरी गुड दैट इज। मतलब पहले तो जात में दिया था वो आधा खाया, उसके बाद वही आधा जैसा था वो खाया, थोड़ी देर से उसके बाद बहुत सारा खाया लिया था। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो फिर फैन ऑर्डर करते हैं जल्दी से, बाबू का रिजल्ट का गिफ्ट है ना, चलो जल्दी से फैन ऑर्डर करें तो खाएं, हम भी भूख लगी। देखो 3:30 बजे खिलाओ अम्मा को, अभी चेंज भी नहीं किया हम, देखो पहले खा लो फ्राइड राइस। मैंने स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूं, बाबू बहुत तेज भूख लगी, खाना तो खाना। रोटी तो कभी खाए नहीं चिली पनीर के साथ, वेरी टेस्टी। अब आप खा लो, मैं आओ फिर पैन ऑर्डर करते हैं, वेरी टेस्टी, माय फेवरेट। कैप्सिकम चलो अभी मनुष्का को आज फिर पिज्जा खाना था, तो मैंने आज फिर से पिज्जा बना लिया डिनर में मनुष्का लिए। मुझे तो कुछ खाना नहीं, मेरा पेट भर गया। वीडियो बना देना जो मैं बनाऊंगी अभी, ठीक है ओके। सो यहाँ पे मनुष्का टीवी में देखकर डांस कर रही थी। एक्चुअली मनुष्का को डांस का बहुत शौक है, तो वो हमेशा टीवी में कोरियोग्राफी लगाकर या फिर कोई भी डांस परफॉर्मेंस लगाकर वो हमेशा प्रैक्टिस करती है, इसी वजह से वो डांस अच्छा कर लेती है। एंड उसे शौक है, तो हम भी सोच रहे हैं कि उसे अब ये सेशन ख़त्म हो जाए एक स्कूल का, न्यू सेशन स्टार्ट होते ही डांस में भी डाल दूँगी, डांस क्लास में।
देन उसके बाद रात को मैंने ग्रीन टी पी और यहीं पे इस दिन को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट दिन पे नेक्स्ट डे चलते हैं क्योंकि सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने पी चाय लगभग देखिए 11 बजे के अराउंड, पीछे घड़ी भी दिख रही है, लगभग 11 के अराउंड हो रहा है तो मैं चाय पी रही हूँ। सुबह से मैंने सिर्फ अजवाइन का पानी पिया था क्योंकि 14 घंटे की फास्टिंग मेरी चलती है। अनदर ब्लॉग, अनदर डे, यस आज है संडे, यस आज है संडे एंड आज मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट पे आलू का परांठा। आज मैंने सुबह से कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, अभी फिलहाल मैं नहा ली हूँ और मेरा जो ईटिंग टाइम होता है वो शुरू होता है 12:30 बजे। गैस अभी मैं थोड़ा सा मैं चौदह घंटे का इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एक कप चाय ले लेती हूँ 10:30 बजे के अराउंड क्योंकि नहीं हो पाता है तो सिर्फ चाय लेती हूँ। तो अभी मेरा 1 kg रिड्यूस हुआ है बट पता नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 1 week हो गया मुझे हीट करते हुए लगभग। गैस फिलहाल मैंने अभी दूध बॉयल किया, दूध थोड़ा सा गिर गया था पूरे बर्तन में ही लग गया। ओके फिर मैंने गैस साफ़ की, गैस भी पूरा गंदी हो गई थी एंड ये है हमारा आलू का परांठा जो कि अनुष्का ने नहीं खाया, थोड़ा खाया थोड़ा फिर खा के चली गई थी खेलने। अभी मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल। यस किसको किसको पसंद है बड़ी दाल के बताइएगा ज़रूर। ओके और मैंने लगा रखे कपड़े और यहाँ पर सारी मिठाइयाँ रखी हैं ये और यहाँ पर ये जो मैं नहीं खा रही हूँ बिल्कुल भी। दोबारा 10 हो गया है और मैं खाने जा रही हूँ पोटैटो, एक प्लेन पोटैटो रखा था हाफ दिया है मैंने जो 14 घंटे हो गए हैं क्योंकि 10 बजे मुझे 12 घंटे हुए और 12 बज गए हैं तो 14 घंटे हो गए हैं। वैसे मैं 14 घंटे तक करती हूँ बट आज 14 घंटे 14:30 नहीं आज 12:10 पे ही मैंने अपना कर दिया है ओवर। सो यहाँ पे मैंने तेल को थोड़ा गरम कर लिया, मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लिया और उसमें थोड़ा सा 3 बरी ले ली मैंने, एक्चुअली ये बाहर की है जो मार्केट में मिलती है वही वाली है उड़द दाल की। सो उसको मैंने अच्छे से फ्राई करके, मैं डीप फ्राई करके उसको निकाल लेती हूँ देन उसके बाद मैं सब्जी या फिर दाल में ऐड करती हूँ। तो इस तरह से अच्छे से मैं डीप फ्राई कर रही हूँ इसको और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी एंड देन मैं इसको जब सब्जी का मसाला वगैरह बना लूँगी ना तब मैं डालूँगी। ओके तो मुझे आपसे बात करनी थी, एक्चुअली मुझे इसकी रेसिपी नहीं शेयर करनी, आई नो कि एक सिंपल सी दाल है और इसकी रेसिपी मैं क्या ही शेयर करूँ। आई नो कि सब लोग बहुत अच्छे से चने की दाल बना लेते हैं सो यहाँ पे मैं जीरे से तड़का दे रही हूँ। आप बताइएगा कि आप चने की दाल में किससे तड़का देते हो, कुछ अगर अलग रेसिपी हो या कुछ स्पेशल हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। ओके कमेंट में ज़रूर 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 मुझे बताइएगा तो मैं आपकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी और उसको दिखाऊँगी ज़रूर। ओके सो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च हरी मिर्च प्याज से तड़का लगा दिया जीरा डालने के बाद और देन उसके बाद मैं लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट डालूंगी देन उसके बाद फिर टमाटो पेस्ट डालूंगी एंड उसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, हल्दी धनिया मिर्ची मसाले जो भी हम लोग ऐड करते हैं वो सारे मसाले ऐड करके उसको अच्छे से भून के फिर दाल डाल दूंगी एंड उसमें डाल दूंगी बरी और फिर पानी वानी डाल के उसको पका लूँगी नमक डालकर। सो ये हमारी दाल हो जाएगी रेडी। चलिए आते हैं एक टॉपिक पे जो मुझे बात करनी थी बहुत दिन से, मेरे पापा की तबीयत के बारे में। एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है अभी क्योंकि लास्ट अभी मैं 1 January को गई थी तो पापा मेरे पहले मुझे थोड़ा ठीक लग रहे थे लेकिन अभी मैं गई थी 4 या 5 को गई थी तो पापा की तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी, एक्चुअली 5 को गई थी तो ठीक नहीं लग रही थी और फिर मैं 5 के बाद फिर मैं 8 को गई और उस दिन भी पापा की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन वीडियो बनाना मेरा ज़रूरी है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि पापा की तबीयत ख़राब है, पापा इसके ऐसे हैं तो ये वीडियो बना रही है या फिर, तो मैं बता दूँ कि यार अगर हम अपना काम जो मैंने जो लोग जॉब करते हैं वो रेगुलरली अपनी जॉब जाते हैं जॉब पर, ये मेरी भी एक तरह से जॉब ही है, भले इसमें मुझे अभी सैलरी नहीं मिल रही है बट मैं एज अ जॉब इसे लेकर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन भी है, यूट्यूब मेरा एक पैशन है और मैं इसे पूरे दिल से करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है इसको करने से। बीच में ये 5 से 7 महीने पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से और अचानक से ऐसी जो पापा को बीमारी हो गई उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी।
वीडियो नहीं बना रही थी, उससे मेरे जो बहुत अच्छे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मैसेजेस किए कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप जो मुझे सच में मानते हैं दिल से पूरे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो, लेकिन अपने काम पर फोकस ज़रूर करो, अपने काम को बिल्कुल मत छोड़ो। बहुत समझाया लोगों ने, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपने ब्लॉग फिर से स्टार्ट करती हूँ। दिल में मुझे क्या तकलीफ़ नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ या करती हूँ मुझे पता है, वो कोई और नहीं समझ सकता है, और जो लोग समझते हैं वो हमेशा मुझे अच्छी एडवाइस देते हैं। तो वीडियो बनाना मेरा पैशन है, मेरा काम है, और पापा की जो हेल्थ है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं पापा से मिलने भी जाती हूँ हमेशा, और अभी मैं पापा को इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाती क्योंकि मैं वहाँ जाके इतना ज़्यादा खो जाती हूँ, उनको देखती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी वीडियो वहाँ नहीं शूट करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसको निगेटिव मत लीजिए, ये मेरा काम है और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे डीमोटिवेट मत करिए, ओके। सो बस यही कहना था, इस वजह से मैंने ये आपके साथ चने की दाल बनाते हुए वीडियो ऐड कर दिया, अदरवाइज़ मुझे कोई रेसिपी नहीं शेयर करनी थी। सो यहाँ पे मैं खा रही हूँ फ्रूट्स, क्योंकि मेरा फ्रूट टाइम हो गया था, तो अब उसके बाद मैं खाऊँगी खाना, क्योंकि खाने में बनाई है चने की दाल, आपको पता ही है। सो बस तो ये छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना था। देन उसके बाद मनुष्का को पार्क जाना है, तो खाना खाने के बाद जाएंगे मनुष्का को पार्क लेकर, ओके। तो मैंने यहाँ पे हाफ आलू का पराठा ले लिया था, कल की चिली पनीर ले ली थी क्योंकि इसे ख़त्म करना था। तो जो चीज़ें ख़त्म करनी होती है, आपको पता है कि जो घरेलू महिलाएँ होती हैं वो उन चीज़ों को ले लेती अपने डिनर में, लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में, पुरानी चीज़ों को, बासी चीज़ों को, सिंपली वेज में कहा जाए तो। सो मनुष्का को लेके हम लोग जा रहे हैं पार्क, शिवाजी पार्क है, हमारे सोसाइटी से लगभग अराउंड हाफ किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो बस हम जा रहे हैं, और ये मनफोर्टगंज का पूरा एरिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये। तो हम लोग लगभग 3 बजे के अराउंड हम लोग जा रहे थे, और बिल्कुल भी मनुष्का ने रेस्ट नहीं करने दिया, तो फटाफट से जाते हैं और देखते हैं कि पार्क की कंडीशन क्या, क्योंकि मैं इस पार्क में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। चलिए चलते हैं पार्क में, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, थोड़ा लोगों से मिलते, देखते कोई मिलता है या नहीं, और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ लोगों से बातचीत ज़रूर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं फटाफट, शायद अब हम लोग पहुँचने वाले हैं पार्क, शिवाजी पार्क। क्या अच्छा, तो राकेश चंद्रा के हॉस्पिटल से पहले ही है। ओ माय गॉड, पार्क आ गई, कॉटन कैंडी भी है। अरे बाप, क्या हुआ? हेलो बाबू, पार्क आ गया। यहाँ तो झूला है ही नहीं बाबू, कहाँ स्लाइडिंग है, यहाँ तो एक्सरसाइज करने के लिए है। एक्सरसाइज करने आई थी आप 2-3 दिन जो आई थी, एक्सरसाइज करने आई थी वो देखो, एक्सरसाइज करोगी? जैकेट निकाल दे, चलो निकाल दो, अभी तो खाना खाई हो आप। बस एक ही स्लाइडिंग है, कपड़े भी फैल रहे हैं यहाँ पे पार्क में। अच्छा, मैं तो ये देख ही नहीं पार्क अभी। सब लोग बैठ के बढ़िया पढ़ रहे हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, कपड़े भी सूख रहे हैं। नहीं बाबू, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, कपड़े भी सूख रहे हैं पार्क में। देखो नीचे कीचड़ भी है। हाँ, 1 रुपया चप्पल निकाल कर जाए, क्यों चप्पल फट तो गया है, जूते चप्पल निकाल कर ही अंदर जाए, क्यों यहाँ पे क्या है? अच्छा तो है, टहलने के लिए भी बढ़िया है ना। हाँ लेकिन थोड़ा दूर है, दूर। ये देखो घोड़े, घोड़े के ऊपर की खाल तो निकली गई है। हाँ पापा, बैठे बैठे बोर हो रहे, यहाँ चले आओ। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो अम्मा का पैर वैसे ही है, अम्मा हाथ। ये घोड़े को कहना, देखो पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है, अंदर से पत्तियाँ लगी हैं। हाँ वो वाला बहुत छोटा है पार्क जहाँ हम जाते थे। ये देखो बढ़िया पढ़ाई भी हो रही है, सब आसपास के स्टूडेंट होंगे, धूप ले रहे हैं, धूप भी ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। धूप
एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद तो धूप निकली है। आज मैं एक वीडियो देख रही थी बाबू दोस्तों से मिलने आए, अभी मैं खाना खाते खाते एक वीडियो देख रही थी पापा सरकारी जिसके जिसके 50,000 फॉलोवर होते हैं सब्सक्राइबर होते हैं वो एक हवलदार से भी ज्यादा कमाता है। तो हवलदार इतना मेहनत करने के बाद जो है कितना पाता है 50,000 30,000 40,000 और जिसके 50,000 यूट्यूबर है वो 50,000 से लेके 2,00,000 तक कमा सकता है अगर उसका और अगर 1,000 व्यूज आ रहा है आपका हर वीडियो में तो आपको जो है कोलैबोरेशन मिलेगा ही कोलैबोरेशन और वो क्या बोलते हैं उसको अरे क्या वो बेटा रोकें क्या रोको हाँ थोड़ा सा सही है अच्छा है चलो पापा मैं बोर हो गया मेरा बच्चा तो बोलते हैं चलो पापा चलो पापा मैं बोर हो गया पार्क से बच्चे अगर चले जाएं बहुत बड़ी बात है हमारी बिटिया तो जा ही नहीं सकती है 3 घंटे पहले से घुमा रहा हूँ ना अच्छा मेरी बेटी तो जा ही नहीं सकती है कहेंगी नहीं कभी घर चलो पहले बहुत क्रेज था इसका ये वाली मशीन लग जाएगी सब लोग फ्री में एक्सरसाइज करेंगे तो ये होगा तो वो होगा है ही नहीं ना। कुछ है ही नहीं ना कुछ कुछ होता भी है इससे और क्या वॉइस वॉइस ओवर नहीं करूँ बैठो 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 उनका जो वीडियो मैंने लगा दिया था जापानी भाभी का मोए मोए वाला अच्छा तो अरे अच्छा बना था तो इंस्टा पे लगाया था तो वो फेसबुक वैसे ही शेयर हो जाता है क्या हुआ नहीं कर पा रही हो वो देखो बच्चे बेबी जो है उस पर बैठ के गोल को घूम रहा है जिसपे बड़े खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे बाबू को ना एक बार आदत क्या हुआ कीचड़ है पानी है बेटा नहीं झूलना सब जगह तो कीचड़ है ओ माय गॉड मत जाओ गिर जाओगी देखो पानी भरा हुआ है गिर जाओगी कीचड़ है कपड़े सब खराब हो जाएंगे आ जाओ इधर सेठानी मत जाओ उधर बेटा गिर जाओगी यहाँ पे योग होता होगा योगा योगासन अरे पापा आप चढ़ गए क्या करो आप करो आप करो आपका वीडियो बनाऊंगी छपाक छपाक करते हुए है बाबू अरे पापा आ जाओ डुबकी लगा लो मार शुरू हो रहा है घूम शुरू हो रहा है संगम नगरी वो इसमें बोट चल रही है हाँ बोट चल रही है कहाँ बोट चल रही है मछलियाँ भी आ गई जो मच्छर है वो मछलियाँ हैं जो मच्छर उनको मछलियाँ बोल रहे हो बाबू अपना स्कूटर ले आती आप भी चलाती ना स्कूटर देखो उधर मत जाओ गिर जाओगी बेटा जरा सा स्लिप होगा तो गिर जाओगी
सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वरना ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे आप कहोगे छोटा ब्लॉग तो मैंने डाला नहीं है, सो एक्चुअली ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैं दो दो दिन के ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सो आई होप आपने इन्जॉय किया हो, इन्जॉय किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कमेंट में प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करिएगा, और मेरी बातों को अगर कुछ भी बुरी लगी हो तो इसे इग्नोर करिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।